गुजरात के हर कोने में कहीं न कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ और जो नतीजे आए हैं वो नतीजे दिखाते हैं कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में फिर से एक बार अपने आप को प्रस्थापित करता है। गुजरात रा 6 महानगर निगम निर्वाचन रे बाजी मारी बीजेपी प्रतिद्वंदी दलों ठारु बीजेपी रही सबुठ आगरे सूरत रे खाता खोली पारी कांग्रेस फेब्रुआरी 21 अनुष्ठित होइतिला निर्वाचन गुजरात रा 6 महानगर निगम निर्वाचन रे अन्य दल मानंकु पछरे पकाई बाजी मारी नेछि बीजेपी अहमदाबाद बडोदरा सूरत राजकोट जामनगर एवं भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पाई गत फेब्रुआरी 21 तारीख रविवार दिन अनुष्ठित होइतिला निर्वाचन 23 तारीख मंगलवार दिन आरंभ होइतिला गणती 6 महानगर निगम रा मोट 576 आसन मध्यरु 23 तारीख संध्या सुद्धा 533 आसन रा फलाफल जणा पड़ी जायतिला फलाफल घोषित आसन मध्यरु बीजेपी 444 आसन पाई सबुठ आगरे रहिछि तेणु समस्त 6 महानगर निगम बीजेपी हाथ को जीव बोली फलाफल रु जणा पड़िछि कांग्रेस आप बीएसपी एवं अन्य प्रतिद्वंदी दलगुड़िक बहुत पछरे थिबा बेले बीजेपी को सबुठ अधिक सफलता मिलिछि राजकोट रे सेठारे बीजेपी को 72 आसन रु 68 मिलिछि अन्य पक्षरे सूरत रे कांग्रेस आदौ खाता खोली पारि नथिबार जणा पड़िछि 23 तारीख संध्या सुद्धा घोषित होइतिबा फलाफल अनुसारे अहमदाबाद महानगर निगम रो 192 आसन मध्यरु बीजेपी को मिलिछि 131 आसन सूरत रे 120 आसन रु 93 बडोदरा रे 76 रु 61 राजकोट रे 72 रु 68 भावनगर रे 52 रु 44 एवं जामनगर रे 64 रु बीजेपी को 50 आसन मिलिथिबार सूचना मिलिछि बीजेपी सपक्ष रे जाइतिबा ए फलाफल केन्द्र रे थिबा मोदी सरकार एवं राज्य रे विजय रूपानी सरकार को सुशासन रो प्रभाव बोली कहा जायछि जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ी जितनी भी सीटें हैं उसमें लगभग 85% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हैं और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से इस चुनाव में हारी है। पूरे गुजरात में सिर्फ 44 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई हैं और 44 सीटें गुजरात में सिर्फ भावनगर कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त कर ली। तो एक प्रकार से संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने समर्थन किया है। इसके लिए मैं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल और अभी अभी जो नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री सीआर पाटिल और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।